Hello, good morning everyone. I am your English teacher, Ms. Sheila Chatterjee. Today we will continue our chapter number 2. Okay, and I know that you are doing very good. You are doing practice of reading and writing as well. Okay, let's start the class. Chapter number 2 One Rainy Day, and today we will do exercise. Okay, first is from the story, these are the oral question. रीड द लेसन अलाउड आपको अच्छे से लेसन रीड करना है देन यू आर एबल टू गिव द एंसर फर्स्ट क्वेश्चन इज मम्मी वेन इज द रेन गोइंग टू स्टॉप वाई डज रे नू से दिस मम्मी वेन इज द रेन गोइंग टू स्टॉप रेन कब रुकेगी बारिश कब रुकेगी ऐसा रेनू ने अपनी मम्मा से क्यों कहा बिकॉज शी व टू गो टू द पार्क व प्लेइंग खेलने के लिए वो पार्क में जाना चाहती थी हाउ डज रेनूज मदर ड्राई द स्क्र रेनू की मम्मा ने स्क्रियल को गिलहरी को कैसे ड्राई किया कैसे सुखाया हर मदर रेनूस मदर पेट्स द स्क्वेरियल ड्राई विद दावल तो कैसे टावल से उसको पेट करके यानि आराम आराम से उसे सुखाया था नाव कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मल्टी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेक द करेक्ट एंसर इन ईच यू हैव टू टेक द करेक्ट एंसर जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड टिक ऑन द करेक्ट एंसर व्हाट डज़ रेनूज मदर पुट इन द स्क्रल्स माउथ स्क्वेर के यान गिल्हरी के मुँह में रेनू के ममा ने क्या डाला था फर्स्ट इज वाटर टी लाइम जूस मिल्क पानी चाय नींबू का जूस और मिल्क येस द करेक्ट आंसर इज मिल्क और नेक्स्ट इज व्हाट कलर आर द स्क्रल्स आईज What color कैसी थी color कैसा था squirrel क्या इसका गिलहरी क्या आँखों का blue brown grey or black yes brown why is Renu happy in the end why is Renu happy in the end end में Renu खुश क्यों हो गई बारिश तो हो रही थी but what is the reason she has bhigi to play with इट इज़ रेनी हैविली द स्क्वेर इज़ स्लीपिंग शी इज प्लेइंग इन द पार्क सो करेक्ट एंसर इज शी हेज़ भीगी टू प्ले विद उसको कौन मिल गया था भीगी मिल गई थी खेलने के लिए नाव दीज आर द क्वेश्चन आंसर वी विल डू दिस क्वेश्चन आंसर इन अ नेक्स्ट क्लास नाव कम ऑन द नेक्स्ट पेज दैट इज पेज नंबर ट्वेंटी सी say these words aloud apple park arrow fan band bath dark market so these are the word of a and next is e press she lead key yes me Feed and B. These are the word of E. Now here is two blocks A and E. Here you have to write all the word that is you, uh, used by a, a. And starting with A. And here is the word E. And car. So you can write here apple. Park. Arrow and fan. Next, write here. Now, E. First is press. She. Okay, and next, you will write here in this block. Now, come on, page number. ट्वेंटी वन पेज नंबर ट्वेंटी वन दिस इज आर ग्रामर क्वेश्चन रीड दी सेंटेंसेज दीज आर वर्ब्स काम वाले शब्द क्रिया वर्ब डूइंग वर्ड्स डूइंग वर्ड्स यू ऑल्सो ऑलरेडी अवेयर ऑफ डूइंग वर्ड तो उनको हम क्या कहते हैं बच्चे वर्ब्स रीड दि सेंटेंसेस रेनू सिंग्स सॉफ्टली रेनू सिंग्स रेनू क्या करती है गाना गाती है बहुत अच्छा बहुत प्यार से बहुत सॉफ्ट मधुर गाना गाती है द बेबी स्क्वेरल शीवर्स ठीक है जो बेबी स्क्वेरल है वो क्या कर रहा है काँप रहा है दिस इन दिस फर्स्ट सेंटेंस इन दिस फर्स्ट सेंटेंस सिंग्स टेल अस वॉट रेनू डज तो रेनू कर क्या रही है वो क्या कर रही है गाना गा रही है इन द सेकेंड सेंटेंस टेलर्स वॉट द बेबी तो बेबी स्क्सर जो गिलहरी का बच्चा वो क्या कर रहा रहा है है द वर्ड्स इन द रेड रेड एंड शिवर्ड्स वर्ड दैट अस एन एक्शन आर कॉल्ड वर्ब्स ठीक है जो हमें किसी काम के होने या करने का पता लगता है जिन शब्दों से उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं डूइंग वर्ड्स कहते हैं नाउ नेक्स्ट इज वर्ब आर ऑल्सो नॉन एज एक्शन वर्ड ठीक है हम इसे डूइंग वर्ड भी कहते हैं एक्शन वर्ड भी कहते हैं वर्ब भी बोलते हैं आप उन तीनों में से जो भी लिखा हुआ नजर आएगा सो so आपको उसमें क्या करना है अपने डूइंग वर्ड्स एक्शन वर्ड्स के जो भी अंडरलाइन है फिलअप है जो भी वो आपको करना है नाउ द क्वेश्चन सर्कल द वर्ब्स इन द सेंटेंस यू हैव टू सर्कल बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई फ्लाई उड़ रही हैं The sun shines my grandma knits very fast. मेरी meri mamma grandmother दादी है वो बहुत जल्दी जल्दी स्वेटर बुनती हैं Dogs bark at strangers. भोंकते हैं कुत्ते ठीक है स्ट्रेंजर्स पे अनॉन पे क्या करते हैं Bark करते हैं भोंकते हैं फिलिंग द blanks विद द करेक्ट वर्क फ्रॉम द ब्रैकेट्स ठीक है हेयर आर द ब्रैकेट्स टू वर्ड्स यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट वन एलिफेंट डैश इन द दॉटर प्ले और सिंग खेलता है ये गाना गाता है वॉट येस प्ले सो राइट राइटर प्ले द गर्ल्स डैश स्वीटली ईट और सिंग गाना गाती हैं या खाना खाती हैं सिंग एस आई एन जी स्टार स्लीप्स और ट्विंकल सो राइट इज ट्विंकल टी डब्ल्यू आई एन के एल ई ट्विंकल एंड द लास्ट द बेबी डैश लाउडली लाफ्स और प्लेज एल ए यू जी एच एस एल ए यू जी एच एस लाफ्स नाउ द नेक्स्ट इज रीड द सेंटेंस द वर्ब्स इन दी सेंटेंसेस आर मिक्सड आपस में मिक्स हो गए हैं री राइट द सन्टेंस यूजिंग करेक्ट वर्ब्स अब आपको क्या करना है आपको करेक्ट फॉर्म करेक्ट वर्ब आपको लिखना है सो बर्ड्स स्विम इन द स्काई बर्ड स्विम करती है ओके नाउ लिव इट बीना ड्राइज हर टे ट्वाइस अ डे अपने दांतों को सुखाती है दे फ्लाई इन द पूल मिस्टर खन्ना ब्रश हर क्लोथ इन द सनलाइट सो बर्ड फ्लाई राइट हियर फ्लाई ठीक है ये वाला फ्लाई रॉन्ग है नाउ दे स्विम in the pool bina brushes b r u s h e s brushes her teeth twice a day mr mrs khanna mrs uh, mrs khan sorry mrs khan dries d r i dries her clothes in the sunlight so you have to do only this uh, exercise in the book And next two pages we will do in a Next class. Okay? Bye, take care.